ये है जी गाँव उसका माजरा, राविंदर जी से गोद लिया हुआ इसका, देखो क्या हाल हो रहा है। पूजा माजरा गांव में सातवें आसमान पर ग्रामीणों का गुस्सा। ग्रामीणों ने पंचायती राज के एक्शन एसडीओ और जे को सुनाई खरी खोटी। अधिकारी आवे एक चक्कर मारा प्लाट तक काट देगो मारी गैल बस। महिलाओं ने अधिकारियों के गली में भरे पानी में उतरने की दी चेतावनी। अधिकारियों ने मांगा 15 दिन का समय। जी हां, ऊंचा माजरा में कुछ ऐसा ही हुआ है जिसके कारण ग्रामीणों को समय देने वाले अधिकारियों को उल्टा ग्रामीणों ने समय दे दिया है। ऐसा क्यों हुआ है बताते हैं आपको संक्षेप में। दरअसल वैसे तो कहा जाता है कि हमारे देश भारत की आत्मा गांवों में बसती है, क्योंकि अगर भारत की संस्कृति और सभ्यता को पास से जानना है तो गांवों में चले आना चाहिए। और इसी के चलते पीएम मोदी ने खुद सांसदों को ये निर्देश दे दिए थे कि सभी सांसद एक एक गांव को गोद ले, जिससे कि आने वाले समय में हमारे देश के विकास को भी गांवों से मापा जा सके। लेकिन शायद पीएम मोदी के इस सपने को सांसद नहीं समझ पाए और उनका उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं कर पाए। तभी तो गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत का गोद लिया हुआ गांव ऊंचा माजरा आज इस हाल में है। दरअसल आज ऊंचा माजरा के ग्रामीण बेहद परेशान हैं। वहां बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक हर कोई सिर पकड़ रहा है। ये है जी गांव ऊंचा माजरा, राविंदर जी से गोद लिया हुआ इसका, देखो क्या हाल हो रहा है। हमारे सारे बच्चे स्कूल के, हजारों बच्चे आते बहुत दुखी, हम इस गोड़ा गोड़ा पानी मां के लिकड़ा। क्योंकि इस गांव का हाल बेहाल नहीं बल्कि बेहद बेहाल है। वैसे तो जब गांव को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने गोद लिया था तो लोगों को लग रहा था कि अब गांव की सूरत के साथ साथ लोगों की जिंदगी भी बदल जाएगी, लेकिन हुआ उससे बिल्कुल उल्टा। आज ग्रामीण अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। अपना खेत में चल जाएंगे और क्या करा बोले बताओ रख के। क्योंकि हाल ही में पंचायत और पंचायती राज द्वारा पूरे गांव में सीवर लाइन डलवाई गई थी, लेकिन उस सीवर लाइन के डलने के बाद ग्रामीण बेहद परेशान हैं, क्योंकि इसके बाद ग्रामीणों की परेशानी और भी बढ़ गई है। सीवर लाइन डलने के बाद पानी का निकास गांव की गलियों में ही घूम रहा है, जिसकी वजह से स्कूल से आने जाने वाले बच्चे, खेत खलियान में काम करने वाली महिलाएं, सभी ग्रामीण इस जलभराव से बेहद परेशान हैं। ग्रामीण जगह जगह पर जाकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी किसी ने भी कोई सुध नहीं ली है। आज तक सुनाई ना हुई, हमने सारे एप्लीकेशन दे ली, खूब मिल लिया मंत्री संतरी, कोई सुनाई नहीं है जी। और इसी के चलते जब आज पंचायती राज के उच्च अधिकारी सांसद के गांव का निरीक्षण करने पहुंचे, तो मानो ग्रामीणों ने उन पर धावा बोल दिया और अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। गांव वालों ने अधिकारियों को उन गलियों में रहने के लिए कहा जहां वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहां महिलाओं ने अधिकारियों को कहा कि वो सिर्फ एक गली में चलकर दिखा दे। कर लेंगे तो लेकर जाएंगे, जरूर जाएंगे, हमारी गाली है कि चक्कर लगा देगा बस, हमारा प्लाट लग, हम दोबारा बिना कहा दोबारा चलो, यहाँ तक वहाँ तक एक चक्कर लगा देगा पानी मांग के बस।
फिर उन्हें एहसास हो जाएगा कि ये लेडीज कैसे गोबर गेरती है, कैसे घास लाती है, पानी मांगती है। जिसके बाद अधिकारियों ने ग्रामीणों से 15 दिन का समय मांगा और ये आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर उनकी सभी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। साथ ही अधिकारी ने यहाँ पर ये भी कहा कि जिसने भी सिवर लाइन बिछाने के बाद इस तरीके की लापरवाही की है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या एक्शन लोगे जिन्होंने इसमें कमियां छोड़ी हैं? मतलब मैं आया हूँ जनवरी में, मेरे संज्ञान में मामला पिछले हफ्ते ही आया है और बाकी रिकॉर्ड देखने के बाद कौन कौन इसके अंदर अगर टेक्निकली कोई फॉल्ट है तो उनके विरुद्ध सरकार को लिख दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि 15 दिन के अंदर क्या ऊंचा माजरा के गांव वालों की ये परेशानी दूर होगी या फिर नहीं, या फिर सिर्फ अधिकारी ऊंचा माजरा के गांव वालों को आश्वासन देकर गए हैं। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और WhatsApp भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9643107600।